भाई, यस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सुनाओ। बता रहा हूँ अभी, पहले मैं जनरल आइडिया दे दूँ, जानवी आप देखना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सपोज आपको सीरीज दी है 2, 6, 18, 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
54 एंड सो 2 6 18 54 एंड सो। यदि आपको ये सीरीज गिवन तो आप ये देखिए कि इसमें सेकंड टर्म कैसा है, यहाँ पर आता है कॉमन रेशियो, और फिर तू भी देखना कल की क्लास अटेंड नहीं की। हाँ सर। 6 / 2 3 ये कहलाता है कॉमन रेशियो, या हम बोले 18 / 6 या बोले 54 / 18। तो दीज आर कॉल्ड कॉमन रेशियो, इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। यहाँ पर रेशियो कॉमन है, सबका रेशियो सेम आ रहा है, तो ये कहलाएगा आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दीज आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा ए, सेकेंड टर्म ए आर, ये जीपीएस से डिनोट करोगे। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, और उस तक चलता गया एन एट टर्म, ए आर की पावर एन माइनस, ए आर स्क्वायर के बाद ए आर क्यूब आएगा, ए आर क्यूब के बाद ए आर की पावर 4 आएगा, तो एन माइनस वन हुआ कि नहीं हुआ, फिर कल क्या पढ़ा अरे क्लास में था कल नहीं था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फर्स्ट टर्म है तो आर नहीं आ रहा, सेकंड टर्म में आर की पावर 1 आ रहा, थर्ड टर्म में आर की पावर 2 आ रहा, एक कम आ रहा, तो एन एट टर्म में क्या आएगा आर की पावर, तो एन एट टर्म ऑफ जीपी, एन एट टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस, दिस इज द एन एट टर्म ऑफ जीपी। लिख लीजिए यहाँ पर nth term of GP is equal to AR की पावर n minus, ये हमारा nth term of GP आ गया। अब हम जैसे बात कर रहे हैं यहां तक क्लियर है बेटा, ये किस्सा आया जानिए, आपको समझना आया क्या, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। भाई फर्स्ट टर्म हमारा ए है, सेकंड टर्म कैसा आया, जैसे ये ए है, इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ए आर आ गया, फिर इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो तो ए आर स्क्वायर आ गया, फिर इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो तो ए आर क्यूब आ गया, और इस तरह चलता जाएगा। तो जो हमारा एन एट टर्म ऑफ जी पी आएगा वो क्या आएगा, ए आर की पावर एन माइनस, ये एन एट टर्म ऑफ जी पी आ, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ एक प्रॉब्लम करो इस पर, फिर मैं 16 वाला बता रहा हूँ, देखिए फाइंड द नाइन्थ टर्म, फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस, सीक्वेंस है हमारे पास 1/4 -1/2 देन 1 देन -2 देन 4 एंड सो 1/4 -1/2 1 -2 4 एंड सो। इसका मुझे 9 टर्म निकालना, तो कैसे निकलेगा 9 टर्म, ये देखो जी फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1/4, आर हो गया बेटा -1/2 को 1/4 से डिवाइड करो, तो हमारा आर जो आ गया कॉमन रेशियो वो आ गया -2,
कॉमन रेशियो क्या आ गया हमारा माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब मुझे नाइन टर्म निकालना है। नाइन टर्म होता है ए आर की पावर ए, का वैल्यू है हमारा 1/4, आर की वैल्यू माइनस टू की पावर ए। बेटा माइनस की पावर इवन है तो कोई दिक्कत नहीं, टू की पावर एट कितना हो गया 256, और इसको फोर से डिवाइड करोगे तो व्हाट इज द नाइन टर्म 60, तो इसका नाइन टर्म बेटा हमारा 64 आ गया। तो नाइन टर्म विल बी इक्वल टू 64, इसका नाइन टर्म 64 के इक्वल। क्या ये समझ में आया? बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? बेटा आपसे जानवी इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पहली क्लास आप अटेंड कर रहे हो। बेटा ये आ गया सर, समझ गया। आ गया, चलिए। क्योंकि एक्चुअल में मैंने कल ही स्टार्ट किया था ये टॉपिक, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये जनरल वापस से बता रहा हूँ। घूमती फिरती आती है आराम से मस्ती ये। चलिए आप क्या बोल रहे थे भाई? 16 प्रॉब्लम ना, वो पुरानी कंडीशन। चलिए भाई यहां तक लिख लीजिए सब। भाई मैंने कल आंसर की भेजी है टेस्ट की, बाकी मार्क्स आपको कल तक मिलेंगे। मैंने आंसर की तो बेटी थी, बहुत बढ़िया। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज 9.3। फाइंड द जीपी, यस बोलो मार्क। फाइंड द जीपी लिखिए भाई, फाइंड द जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4, फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। And the fifth term is, four times the third term. And the fifth term is 4 times the third term. अभी बोल रहा है GP है जिसका first two term का sum कितना है? माइनस टू। बेटा फर्स्ट टर्म ए है और सेकंड टर्म क्या होगी? ए आर। सेकंड टर्म होगी ए आर, तो आपको गिवन है ए प्लस ए आर इक्वल टू -2। ए प्लस ए आर इक्वल टू -2। अब आपको ये गिवन है कि फिफ्थ टर्म, जो हमारा फिफ्थ टर्म है वो 4 times का क्या है? थर्ड टर्म। तो फिफ्थ टर्म होता है ए आर की पावर 4 और थर्ड टर्म हो गया हमारा ए आर स्क्वायर। फिफ्थ टर्म है हमारा ए आर की पावर 4 और थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर। तो देखो ए से ए कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 4। तो बेटा यहाँ आर की वैल्यू हमें 2 मिलेगी, या तो आर की वैल्यू +2 होगी या आर की वैल्यू -2। आर की वैल्यू 2 है। क्या ये समझ में आया जो मैंने करा भाई सभी को? बोलिए बेटा। यस सर, यस सर। आर की पावर आर की पावर 4 को आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर मिलेगा।
तो आर स्क्वायर इक्वल टू फोर, तो आर इक्वल टू प्लस माइनस टू। अब हमारे पास दो केस आ गए, आपको जीपी निकालनी है ना, तो देन ए, अच्छा आर ए भी निकालो, तो ए भी दो आएंगे। हाँ सर, वो आता ही होगा, अभी संस्कार आ रहा होगा, ठीक है। उसका क्या हुआ अपना, कितना टाइम लगेगा, सर्विस सेंटर पे क्या, इसको फिर मैं ऑनलाइन कर दूंगा। यस, तो आर की वैल्यू प्लस माइनस टू आ गई। अब केस फर्स्ट, नहीं पहले, व्हेन ए आर इक्वल टू टू, तो ए प्लस ए इंटू टू इक्वल टू माइनस टू, तो थ्री ए इक्वल टू माइनस फोर, ए का वैल्यू माइनस फोर बाई थ्री। भाई जब आर इक्वल टू टू है तो ए का वैल्यू आ गया माइनस फोर बाई थ्री, तो देयरफॉर जीपी इस केस में क्या आएगा, देखो फर्स्ट टर्म माइनस फोर बाई थ्री, इसको आर से मल्टीप्लाई करो टू से। अरे भाई जीपी कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को आर से मल्टीप्लाई करो, माइनस एट, फिर कितना आ गया बेटा, एंड सो ये पहली जीपी आ गई मेरी पहले केस, ये हमारे फर्स्ट केस की जीपी आ। क्या यहां तक सभी को समझ में आया भाई, मैंने क्या बोला, फर्स्ट टर्म, दोबारा समझा रहा हूं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म दोनों का सम माइनस फोर के इक्वल, सेकंड टर्म को हम क्या लिखेंगे, ए आर। फिर हमसे बोला गया है फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू फोर टाइम्स द थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म क्या हो गया, ए आर की पावर टू इक्वल टू फोर ए आर, ए से ए क्या हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू फोर, तो आर का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, प्लस माइनस, या तो आर का वैल्यू प्लस टू होगा, या अब दो केस हैं तो आपका ए का वैल्यू भी दो निकलेगी, ये मतलब दो जीपी आएंगी आपको। जब मैंने पहले बोला आर इक्वल टू टू ए, तो ए प्लस टू ए इक्वल टू माइनस, तो थ्री ए इक्वल टू कितना आ गया, माइनस फोर, ए का वैल्यू माइनस फोर बाई थ्री। अब ए माइनस फोर बाई थ्री आ गया, देखो फर्स्ट टर्म, इसको आर से मल्टीप्लाई करो सेकंड टर्म, इसको आर से मल्टीप्लाई करो थर्ड टर्म। क्या पहला केस सभी को क्लियर है, अब मैं दूसरा केस ले रहा हूं, मैंने आर इक्वल टू माइनस, When R equal to minus two, तो ये माइनस ए इक्वल टू माइनस टू, तो ए का वैल्यू फोर आ गया भैया, फर्स्ट टर्म क्या आ गए हमारी फोर, तो देखो जीपी क्या आएगी, पहले फोर, फोर को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया माइनस ए, माइनस एट को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया सिक्सटीन, एंड ये दो जीपी आ गई, दीज आर द टू जीपी। क्या सभी को क्लियर है, यस सर, यस सर, यस बेटा, जानवी कुछ समझ में आया, आ गया सर, आ गया, तो ले लिख लीजिए भाई, पहले दिन तो पूछना ही पड़ता, आगे तो फिर मैंने आज तक नंदिनी से कुछ नहीं पूछा। नेक्स्ट, द फोर्थ सेवंथ एंड लास्ट टर्म ऑफ जीपी, राइट डाउन नेक्स्ट कॉलम, द फोर्थ सेवंथ and last term of GP are 1080 and 2560 respectively.
2560 respectively. Find the first term and number of terms of G. तो हमें फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी अब देखिए उसने क्या बोला. पहले तो बोला फोर्थ टर्म. अनिक्सा फोर्थ टर्म क्या होगी बेटा? ए आर क्यूब बिल्कुल सही है. तो फोर्थ टर्म ए आर क्यूब इक्वल टू 10. फिर हमें बोला सेवन टर्म. राधिका सेवन टर्म क्या होगी? राधिका सेवन टर्म क्या होगी? अरे क्या बोल रही है, आवाज नहीं आ रही है. ये राधिका के नहीं आवाज आ रही है. दीपक ए आर की पावर 6 80 और एन एट टर्म लास्ट टर्म मतलब एन एट टर्म ए आर की पावर एन माइनस 2560. ये हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं भाई. कैसे? सेवन टर्म फर्स्ट को सेकेंड ए आर की पावर 6 अपॉन ए आर क्यूब 80/10. तो आर क्यूब आ गया 8 और यदि आर क्यूब 8 आ गया तो आर का वैल्यू 2. आर क्यूब 8 आ गया तो आर का वैल्यू, ये हमारा आर का वैल्यू आ गया. तो वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 2. इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब आर इक्वल टू 2 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन से एक का वैल्यू आ जाएगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 5/4 ए का वैल्यू आ गया हमारा 5/4. देखो ए और आर आ गया, इसमें रख दीजिए लास्ट टर्म वाले थर्ड में ए आर की पावर एन माइनस 1 2560. ए है हमारा 5/4, 2 की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 2560. तो 2 की पावर n माइनस 1 हो गया बेटा 2560 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय. इसको सोल्व करके बताना भाई कितना आ रहा है. 2560 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 5 ये कितना आ रहा है? 2048. अब बेटा ये आपको पता होना चाहिए 2 की पावर कितना होता है? 2048. मुझे तो याद है, तुम्हें याद होना चाहिए 11 होता है क्योंकि 2 की पावर 10 होता है 1024. 2 की पावर 10 के हिसाब से चलना चाहिए हम, ये तो आपको याद रखना चाहिए. 2 की पावर 10 1024. तो 1024 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2048 है. तो ये आ गया 2 की पावर 11 और इधर आ गया 2 की पावर n माइनस. कंपेयर करो n माइनस 1 इक्वल टू 11 तो n की वैल्यू. तो बेटा फर्स्ट टर्म भी आ गई और नंबर ऑफ टर्म्स भी आ गई. फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारी 5/4 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? और फिर क्लियर है? हाँ सर क्लियर है. राहुल राहुल आज कौन गायब है? आज कृष्णा गायब है.
राहुल आवाज नहीं आ रही क्या? राहुल आ रही है सर। कहीं समझाना है किसी को? गोविंद दी ग्रेट चले आ गए? हाँ सर आ गया। एक सेकंड। हाँ लगते ट्राई करना, नेट आ जाएगा तो मेरी क्लास पर रिकॉर्ड हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत ठीक है ना? नहीं और की कैसे रिकॉर्ड होगी बेटा, और की तो रिकॉर्ड ही। चल मैं करता हूँ, उसमें कुछ करता हूँ। चलिए आगे लिखो। देखो द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, नेक्स्ट वाला द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज व्हाट? द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज वन। The sum of third and fifth term is 90. If the sum of third and fifth term is 90, sum of third and fifth term is 90, find the common difference of GP. Find the common difference of, sorry common ratio यार, भावनाओं को समझो, common ratio of GP। अब देखिए first term of GP one है, मतलब a का value one के equal, a equal to one। द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म मतलब ए थ्री प्लस फिफ्थ टर्म, ए थ्री प्लस ए फाइव इक्वल टू 90। ए थ्री का मतलब ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर फोर इक्वल टू 90। अब ए का वैल्यू वन है, तो 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर की पावर 4 इक्वल टू 90, तो आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई जिसके फैक्टर करने पड़ेंगे 90, तो 90 के ऐसे फैक्टर करो कि 1 आ जाए बीच, 10 और 9 प्लस 10 और माइनस 10। हाँ एक बार तो आर की पावर 4 प्लस 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, आर स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 कॉमन आ गया, आर स्क्वायर प्लस, तो इक्वेशन आ गई आर स्क्वायर प्लस 10 और आर स्क्वायर माइनस, तो आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0, तो आर स्क्वायर की वैल्यू माइनस 10 नॉट पॉसिबल, और आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से आर का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 3 मत बोलो, प्लस माइनस 3, तो हमारा कॉमन रेशियो क्या आ गया, प्लस माइनस। क्या समझ में आया सभी को? बोलिए। अरे भाई ये कंसेप्ट क्लियर है? लिखिए। यस सर। लिख लीजिए बेटा, लिखा
क्या हुआ संस्कार कहाँ है? आया नहीं, बहुत देर हो गई। अरे वो तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, उसमें तो क्या टाइम लगेगा। चलिए भाई नेक्स्ट। भाई ये क्लियर है कि कहीं समझाना है? सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोल बेटा। सर आर की वैल्यू और जब आर स्क्वायर की वैल्यू जब माइनस 10 आई तब हमने वो नहीं लिया, तो मतलब उसकी वैल्यू माइनस में नहीं लेते हैं या फिर वो अंडर रूट आती है उसलिए नहीं लेंगे? बेटा एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी रियल नंबर है ना, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। बेटा कोई भी रियल नंबर ले ले, तो किसी भी रियल नंबर का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो वो कभी नेगेटिव आ सकता है क्या? नहीं बेटा, नहीं। हाँ तो ये इमेजिनरी वैल्यू है ये, और स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10 कौन सी वैल्यू है? इमेजिनरी, पॉसिबल ही नहीं। आया सुन, आया बेटा? भाई आप नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो कभी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, इसलिए ये नोट कर। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ द पीएफ क्यूएफ एंड आरएफ टर्म ऑफ जीपी, write down if the PF QF and RF term of GP, are ABC, small a, small b, small c, respectively. Prove that A की पावर Q माइनस R मल्टीप्लाइड बाय B की पावर R माइनस P मल्टीप्लाइड बाय C की पावर P माइनस P, दिस इज इक्वल टू 1। ये हमें इक्वल टू 1 प्रूव करना है। वही दिए तो हाँ रही है। लो इफ द पीएड क्यूएस एंड आर एड कम ऑफ जीपीआर ए बी सी रेस्पेक्टिवली, तो पीएड टर्म, देखो पीएड टर्म का मतलब पहले तो आप फर्स्ट टर्म लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपीआर, भाई स्मॉल ए नहीं ले सकता, स्मॉल आर नहीं ले सकता, दोनों आ रही है, तो इसको मैं कैपिटल एन कैपिटल आर ले लूंगा। फर्स्ट टर्म मैंने कैपिटल ए ले लिया और कॉमन रेशियो कैपिटल आर, फर्स्ट टर्म कैपिटल ए ले लिया फर्स्ट और कॉमन रेशियो कैपिटल आर ले लिया, अब हमें पीएड टर्म ए के इक्वल गिवन है। पीएड टर्म स्मॉल ए, तो पीएड टर्म हो गया बेटा ए कैपिटल आर की पावर पी माइनस 1 इक्वल टू ए। क्या ये समझ में आया कैसे लिखा? ऑनलाइन किसी को दिक्कत है इसमें? पीएड टर्म इज इक्वल टू ए, पीएड टर्म मतलब कैपिटल ए आर की पावर पी माइनस 1। भाई एनएड टर्म क्या होता है? आर की पावर एन माइनस 1, तो यहाँ पी माइनस 1। फिर हम बोल रहे हैं बेटा क्यूएड टर्म बी के इक्वल,
कैपिटल ए आर की पावर क्यू माइनस वन इक्वल टू बी। फिर आर ए टर्म आपका सी के इक्वल है, तो कैपिटल ए कैपिटल आर की पावर आर माइनस वन इक्वल टू। बेटा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन जो लिखी है इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए ये कैसे आई भाई, ये कैसे लिखी है, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। आयुषी क्लियर है कैसे लिखा बेटा? यस सर। जानवी कैसे लिखा? यस सर। चलो अब मेरे को एलएचएस तू अट जाए कर लो उसकी तरह लग जाएगी बीच में, क्या मतलब मैं इधर से यूं फेंक रहा था तो बीच में ये लगती है ये तू बच्ची। चलो एलएचएस ए की पावर क्यू माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस पी। स्मॉल ए का वैल्यू कैपिटल ए आर की पावर पी माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय आर क्यू माइनस आर, ये स्मॉल ए की वैल्यू रख दी गई। फिर मैंने कैपिटल स्मॉल बी की वैल्यू रख दी, कैपिटल ए आर की पावर क्यू माइनस वन और इसकी पावर है आर माइनस। फिर हमने कैपिटल सी की वैल्यू रख दी और स्मॉल सी की वैल्यू, कैपिटल ए कैपिटल आर की पावर आर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस। ये हमने ए बी सी की वैल्यू रख दी भाई, जो हमारे पास ए बी सी था तीनों की वैल्यू रख दी। अब देखो कैपिटल ए की पावर देखते जाते हैं, इधर देखना बेटा यही चीज इंपॉर्टेंट स्टेप, कैपिटल ए की पावर क्या आ रही और मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है एड होती है, तो प्लस प्लस पी माइनस, ये हमारी कैपिटल ए की पावर आ रही। दोबारा बता रहा हूं कैसे आई है भाई, ए की पावर आ रही है यहां पर क्यू माइनस आ, फिर मल्टीप्लाई है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है प्लस, तो ये q माइनस r प्लस प्लस p माइनस। अब कैपिटल r की पावर p माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई q माइनस r, फिर मल्टीप्लाई है तो प्लस q माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई प्लस r माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई p माइनस। अब सब कैंसिल हो गए भाई, देखो ये सब कैंसिल हो गए, ये हो गया ए की पावर जीरो, इधर आर भी अभी मल्टीप्लाई कर रहा था पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर फिर क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस। बेटा ये भी सब कैंसिल हो गए और सबकी पावर क्या हो गई जीरो, और ए की पावर किसी भी नंबर की पावर जीरो क्या होती है वन, तो ए की पावर जीरो कैपिटल आर की पावर जीरो इज इक्वल टू। सर ये ए और आर कॉमन कैसे लिया? बेटा कॉमन नहीं लिया मैंने, इधर ऊपर बताता हूँ ए आर की पावर पी माइनस वन, जैसे ये क्यू माइनस आर पावर है तो जब इनको मल्टीप्लाई की पावर लेंगे तो ए की पावर क्यू माइनस आर आ जाए मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, ये पहले वाले में आया ये आई बात समझ। फिर मल्टीप्लाइड बाय करेंगे इस वाले को दूसरे वाले को, तो ए की पावर आर माइनस पी
कैपिटल आर की पावर क्यू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस थ्री आर ऐसे। अब मैंने क्या करा ये वाली स्टेप खा दिया क्योंकि इतना लिखूंगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाए, तो मैंने क्या करा ये एक ही पावर है ये एक ही पावर है और आगे भी एक और एक ही पावर है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होती है एड होती है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया देखो कैसे लिखा, एक ही पावर क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई है तो प्लस आर माइनस टी प्लस टी आया आप समझ में कैसे लिखा। यस सर। और ये सब कैंसिल हो गए तो एक की पावर जीरो टू की पावर जीरो आर की पावर जीरो इक्वल टू वन। देखिए क्वेश्चन देखिए